गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम लोग एसएसटी में अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में कि वहाँ के एग्रीकल्चर यानी कृषि में वो लोग क्या करते थे, उनका मेन फूड क्या था, कौन कौन से फूड वो ग्रो करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, किस किस क्रॉप को वो एक्सपोर्ट करते थे, और इंडस्ट्री किस किस चीज़ की इंडस्ट्री थी, क्या क्या वो प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, कैसा है। कोंगो इज थिकली पॉपुलेटेड कंट्री। कोंगो जो है वह घनी आबादी वाला देश है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस। काफ़ी सारे लोग जो है विलेजेस में फैले हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग विलेजेस में रहते हैं। अ नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव्स देयर। वहाँ पर कई सारी जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है ना, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। द बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब। जो बंटू है वो सबसे बड़ी जाति है। बंटू पीपल आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर। जो बंटी पीपल लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे और उनके बाल कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं, घुंघराले होते हैं। पाइगमीज द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कॉन्गो आर प्रिमिटिव ट्राइबल। वहाँ की जो पुरानी मतलब शुरुआत की पुरानी जाति है वो है पिगमीज, यानी जातियाँ हैं पुरानी कॉन्गो की, ठीक है। प्रिमिटिव यानी पुरानी जातियाँ, ओरिजिनल पुरानी जाति कॉन्गो की क्या है, पिगमीज। दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट। वो घने जंगलों में रहते थे। दे आर गुड हंटर्स। वो बहुत ही अच्छे शिकारी हैं। दे आर शॉर्ट इन हाइट। उनकी हाइट जो है बहुत छोटी होती है। देयर एवरेज हाइट इज इवन लेस देन 1.5 मीटर, यानी कि 5 फीट, यानी जो उनकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर से भी छोटी होती है, यानी कि 5 फुट से भी छोटी होती है। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स। वो बहुत ही अच्छे शिकारी हैं, बहुत अच्छा शिकार करते हैं। दे आर नोमेडिक बाय नेचर एंड लिव बाय हंटिंग ट्रैपिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड। नोमेडिक में से खाना बादशाह, यानी कि वो वहीं के लोग थे, वहाँ पे वो रहते थे, शिकार करते थे, ट्रैपिंग एनिमल्स यानी सॉरी बच्चों। दे आर नोमेडिक बाय नेचर एंड लिव बाय हंटिंग ट्रैपिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड। वो लोग वहाँ शुरू से ही रहते थे, ठीक है ना, वो हंटिंग करते थे यानी शिकार करते थे, ट्रैपिंग एनिमल्स यानी एनिमल्स को ट्रैप करते थे, जाले फंसाते थे, एंड गैदरिंग फूड और फूड लेते थे, ठीक है ना। अब देखिए, दे लिव इन हाउस मेड फ्रॉम ट्री ब्रांचेस ट्विंग एंड लीव्स। वो घरों में रहते थे, उनके घर कैसे बने होते थे, ब्रांचेस शाखाओं के बने होते थे, पत्तियों के बने होते थे, ठीक है। द मेन लैंग्वेज स्पोक्स हेयर आर बंटू इंग्लिश एंड फ्रेंच। वहाँ की जो मेन लैंग्वेज थी वो थी बंटू इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। पीपल ऑल्सो स्पीक लोकल लैंग्वेजेस लाइक सहेली, सिंघाला, इशिलुबा, किंग कोंगा एटसेट्रा। जो वहाँ के लोकल लोग थे वो लोग इन लैंग्वेजेस को बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, कम्युनिकेशन यानी कि आने जाने के साधन, या वह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, एक दूसरे से संचालन कैसे होता है। देखिए, बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नॉट वेल प्रोग्रेस्ड। वहाँ पे जो जंगल है वो बहुत घने हैं, इसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन, यानी इधर से उधर जाना, कहीं से हम लोग कहीं जाते हैं तो बस, ट्रेन, इन सब का यूज़ करते हैं ना। और कम्युनिकेशन यानी बात करने के लिए, कि जैसे टेलीविज़न है, टीवी, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के साधन है, फोन्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कॉन्गो रिवर इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो कोंगो रिवर है वो वहाँ की मुख्य है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कोंगो रिवर का इस्तेमाल करते हैं। माथादी इज द चीफ सी पोर्ट एंड किंसाना द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट। जो माथादी है वो वहाँ का सी पोर्ट है, बहुत अच्छा मतलब मेन सी पोर्ट है। और जो किंसाना है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की क्या है, राजधानी है, जो कि एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह है, ठीक है ना, सी पोर्ट में से होता बंदरगाह। कॉन्गोज रेलवेज ऑपरेटेड मोस्टली इन द साउथर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कॉन्गोज रेलवेज हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे चलते हैं, कॉन्गो के साउथ ईस्ट पार्ट में ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है ना, वहीं पर ये रेलवेज है। एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द कंट्री। जो हवा में
वो करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे एरोप्लेन है, इन सब से भी हम वो अपना ट्रैवल करते हैं ना, तो वो फैसिलिटी भी वहाँ पे अवेलेबल है। एयर ट्रांसपोर्ट जॉइन कॉन्गोज मेजर सिटीज एंड कनेक्ट किंसाना विद सर्वल कंट्रीज इन अफ्रीका एंड यूरोप। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कॉन्गो रिवर की जो सिटीज़ हैं, कॉन्गो सिटीज़ हैं, उनको क्या करता है, ज्वाइन करता है, और किंसाना को, जो किंसाना को अलग दूसरी दूसरी कंट्रियों से कनेक्ट करता है, जैसे अफ्रीका यूरोप में कंट्रीज उनसे कनेक्ट करता है, ठीक है ना। नाउडेज रेडियो टेलीविज़न एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर यूज इन कॉन्गो। अब के समय में वहाँ पर रेडियो है, टेलीविज़न है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वहाँ पे वो क्या है, फैसिलिटीज़ अब होने लगी है, इस्तेमाल होने लगी है, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ डेली न्यूज़पेपर आर पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट इन कॉन्गोज। वहाँ पे अब न्यूज़पेपर यानी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, छपने लगे और पूरे कॉन्गो में बटने लगे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। किंशाना, मटारडी, बुकावु एंड बनाना आर द बिग सिटीज़ ऑफ कॉन्गो। ये सिटीज़ के नाम हैं जो कि कॉन्गो में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। किंशाना इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। किंशाना जो है वो कॉन्गो की राजधानी है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ कॉन्गो रिवर। ये साउथ में, कॉन्गो रिवर के साउथ में क्या है, सिचुएटेड है। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ कॉन्गो। जो पानी है वो कॉन्गो का एक मुख्य संसाधन है, संसाधन है। अ नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ड अक्रॉस रिवर। काफ़ी सारे डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली बनाते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डेवलपिंग फास्ट। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, आपको वो अपनी SST की पेयर नोटबुक में करना है, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, दोबारा से समझना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।